हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TMU इन्फो यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी पार्ट वन सेशन 2021 से 24 और पार्ट थ्री सेशन 2019 से 22 से रिजल्ट से संबंधित अपडेट्स के बारे में। तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का हाल तो पूरा ही बदहाल हो चुका है। आज से 2 दिन पहले मैंने न्यूज़ कवर किया था, जिसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार से यूनिवर्सिटी के जो कर्मी हैं उन्हें यहाँ तक ये तक नहीं पता चलता है कि यूनिवर्सिटी में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ बदल गया है। तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का पूर्व परीक्षा नियंत्रक आज से 1 मंथ पहले ही सेनावृत्त हो चुके हैं। नया परीक्षा निरीक्षक डॉक्टर आनंद कुमार झा तक आ चुके हैं। आज का जो न्यूज़ निकल के ये आया परीक्षा संबंधित अपडेट में कि अब से जो परीक्षा का कार्यकाल होता है, यानी परीक्षा का जो भी कार्यक्रम होता है, परीक्षा रिलीज करना या फिर रिजल्ट रिलीज करना, इसका जो है सीधी मॉनिटरिंग आज से परीक्षा नियंत्रक करेंगे। यानी इससे पहले जो मॉनिटरिंग होती थी ये परीक्षा नियंत्रक नहीं करते थे, आज से परीक्षा नियंत्रक करेंगे। तो परीक्षा नियंत्रक का काम क्या क्या होता होगा? नाम है उनका परीक्षा नियंत्रक। तो परीक्षा नियंत्रक कोई खेल विभाग के काम तो देखेंगे नहीं, उनको तो देखना था परीक्षा कब हो रही है, टाइम पे हो रही है या फिर नहीं हो रही है, रिजल्ट कब देना है। लेकिन वो आज के न्यूज़ में बोल रहे हैं कि अब परीक्षा नियंत्रक आज से सीधी मॉनिटरिंग परीक्षा नियंत्रक के कार्यों पर काम करेंगे। जबकि राज्यपाल ने इन लोगों को समझ एक तरह से बोले तो राज्यपाल ने इन लोगों को चाटा लगाई है। और रिजल्ट के बारे में अपलोड की बात करें तो रिजल्ट देखिए फ्रेंड्स, रिजल्ट अभी आने का कोई संभावना है नहीं। ये लोग का सारा ध्यान केंद्रित है 16 अप्रैल के दिन होने वाले दीक्षांत समारोह में। ये सभी लोग दीक्षांत समारोह में जुड़े हुए हैं। कौन लाली टोपी पहन के आएगा, कौन पीला टोपी पहन के आएगा, ये सभी लोग दीक्षांत समारोह का तैयारी कर रहे हैं, ना कि रिजल्ट दर्ज करने का तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हाँ, पार्ट वन कॉमर्स वाला का रिजल्ट तो दे ही दिया गया है फ्रेंड्स। ये रिजल्ट आपको ऑफलाइन देखने को मिलेगा, ऑनलाइन देखने को नहीं मिलेगा। यूनिवर्सिटी आप अपने रिजल्ट को पता लगा सकते हैं। इसमें बहुत सारी त्रुटियाँ भी आई थी, जैसे कि सुधार करने का काम किया जा रहा था, पता नहीं अभी तक सुधार हुआ भी या फिर नहीं हुआ। तो जब तक दीक्षांत समारोह कंप्लीट नहीं हो रहा तब तक रिजल्ट आने का कोई संभावना नहीं है। हाँ, लेकिन इन लोगों को ये करना चाहिए था कि पार्ट वन सेशन 2021 से 24 था, इनका रिजल्ट्स कम से कम दीक्षांत समारोह होने से पहले ही रिलीज कर देते। ये लोग बहुत दिन से वेट कर रहे थे। एग्जाम एग्जाम सितंबर अक्टूबर में ही हुआ है, लास्ट नवंबर तक एग्जाम इनका खत्म हो गया था, दिसंबर में तो पार्ट थर्ड वाला का एग्जाम हो गया था। और आज से 1 मंथ पहले यही लोग बोलते थे कि मार्च के लास्ट तक में रिजल्ट दे देंगे साइंस वाला का, जो कि पार्ट थर्ड के स्टूडेंट है। वो बोल रहे थे कि पार्थर का सिर्फ GS का कॉपी जांच करने के लिए बच्चा है, जो कि मारवाड़ी कॉलेज में साइंस का कॉपी जांच हो रहा था। कॉमर्स और साइंस वाला केवल GS का कॉपी जांच करने के लिए बचा हुआ था। जब उनका केवल GS का ही कॉपी जांच करने के लिए बचा हुआ था तो आज तक रिजल्ट क्यों नहीं आया, ये बता दीजिए। पार्ट वन वाला का रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया? कम से कम पार्ट वन वाला का रिजल्ट तो आप लोग दे सकते थे। तो पार्थर वाला स्टूडेंट जो भी इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट लेकर, वो चाह रहे हैं कि रिजल्ट आए, तो पार्थर वाला का रिजल्ट तो फ्रेंड आएगा नहीं जब तक दीक्षांत समारोह समाप्त नहीं हो जाता है। हालांकि आप लोग का 3 मई से ये भी बात किया गया है कि PG में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाने लगेगा 3 मई से, जो कि अगला मंथ, जो मई आने वाला है सत्र 2019 से 22 वाले सेशन का, जो कि PG में अगर एडमिशन लेंगे, सभी छात्र तो नहीं लेंगे, जिनको PG करना होगा वो लेंगे, तो उनका नामांकन के बारे में यहाँ पर अपडेट दे दिया गया है। PG में नामांकन लिया जाएगा, लेकिन अभी तक उसके रिजल्ट से लेकर कोई संबंधित कोई भी ऑफिशियल नोटिस भी जारी नहीं किया गया है। अब पार्ट वन का स्टूडेंट कॉमर्स वाला के रिजल्ट आ गया है, साइंस कॉमर्स वाला के रिजल्ट, हाँ, साइंस और आर्ट्स वाले के रिजल्ट से लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। ये वीडियो इसलिए बनाना जरूरी था क्योंकि आप लोग जितने भी जो भी सारे अदर न्यूज़ आ रहे हैं TMU रिलेटेड, वो जो वीडियो मैं कवरेज कर रहा हूँ, वीडियो न्यूज़ बना के डाल रहा हूँ, तो सभी बच्चा का एक ही कमेंट रहता है कि पार्थर वाला का रिजल्ट कब आएगा, पार्ट वन वाला का रिजल्ट्स कब आएगा। तो मैं सोचा कि एक बार आप लोगों को बता ही दूं कि इनका जो सारा ध्यान है ये दीक्षांत समारोह कराने में है, उधर ही है, तो अभी कोई रिजल्ट ये लोग देने वाले हैं नहीं। हालांकि पार्ट वन वाला का रिजल्ट दे देना चाहिए और अभी जाएगा इसका संदेह है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस कुछ भी जारी नहीं किया गया है और रिजल्ट इनका ऑलरेडी रेडी है, तो कभी भी दे सकते हैं। आज तो संडे है, खैर, बाकी आगे जो भी होगा रिजल्ट संबंधित ये दीक्षांत समारोह के बाद ही आपको देखने के मिलेगा। पार्थर वाला का रिजल्ट दीक्षांत समारोह से पहले आने वाला नहीं है। आई होप कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।